एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज ग्रीन पुलाव बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे पालक लिया। पालक को गर्म पानी में हाफ बॉईल कर लेंगे। पालक हाफ बॉईल हो गया, हम इसको निकाल के ठंडे पानी में रखेंगे। पालक को बॉईल करके ले लिया है, अब हम इसको मिक्सी में पेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे पेस्ट के लिए पालक ले रही हूँ, हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, ये पांचों को एक साथ मिला के एक फाइन पेस्ट बना लूँगी मैं। बिना ग्रीन पेस्ट बन के हो गया, अब इसको निकाल भी लिए। अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ और पनीर डालेंगे। मैं यहाँ पे पनीर को गर्म पानी में 5 मिनट रखी थी। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आपको जैसा पीसेस अच्छा लगता वैसा कट कर सकते। मैं मीडियम साइज रखी, ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। आप अपने हिसाब से पीसेस रख सकते हैं। आज हम 3 लोगों के लिए बनाने वाले थे, पर एक एक जन बढ़ता ही गया, बढ़ते बढ़ते 5 जन हो गया। 5 जन के लिए मैं आज ग्रीन पुलाव बनाई थी। उसके लिए मैं यहाँ पे सब्जियाँ लिया। आप कौन से भी सब्जी ले सकते, प्याज, बीन्स, फूलगोभी, आलू और मटर और हरी मिर्च। मैं मटर को बॉईल करके लिया था। मैं यहाँ पे तेल डाल, मैं इसी तेल में सब कुछ फ्राई कर लूँगी। पहले पनीर फ्राई करेंगे, उसके बाद सब्जियाँ डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद मैं पनीर डाल दूँगी। मैं यहाँ पे पनीर डाल रही हूँ। पनीर में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन हो गया था, क्योंकि मैं पानी पीने गई थी तब। मैं यहाँ पे नमक डाली और थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ। आप हल्दी नमक स्किप भी कर सकते। पनीर हो गया फ्राई करके गोल्डन ब्राउन, नहीं पनीर हो गया डार्क ब्राउन। मैं पानी पीने गई थी। यहाँ पे साइड में मम्मी चावल तैयार कर रही है। 80% कुक किया चावल को हमने। आप फुल कुक भी कर सकते। यहाँ पे तेज़पत्ता, सूखी मिर्च डाली मैं। यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ, उसके बाद प्याज डालूँगी, काजू, आप बिना काजू के भी बना सकते हो, फिर प्याज। एक एक करके सब सब्जियाँ डालूँगी मैं। प्याज को थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी। या प्याज भून के हो गया, अब इसमें एक एक करके सब्जियाँ डालूँगी। हरी मिर्च डाली, अब इसमें आलू, गोभी और बीन्स तीनों डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद मटर और पनीर डालूँगी। मटर थोड़ा सा हाफ बॉईल किया हुआ है, मैं पहले से ही मटर को थोड़ा सा बॉईल करके रखी थी मटर, इसलिए बाद में डालूँगी। बीज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। मैं हल्दी नहीं डाली, थोड़ा सा नमक डालूँगी। हल्दी में पनीर फ्राई करते टाइम थोड़ा सा डाली थी तेल में ही, अभी उसी हल्दी में से हो गया। हम एकदम लास्ट में थोड़ा सा हल्दी डालेंगे चावल डालने के बाद। ब्राउन कलर हो गया, हम इसमें अब मटर डाल रही हूँ, उसके बाद पनीर भी डाल दूँगी। पहले ग्रीन पेस्ट डालूँगी, उसके बाद मटर डालूँगी। ग्रीन पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिला लूँगी। और इसमें कच्चा ही है लहसुन, अदरक सब कुछ, इसलिए इसको भी थोड़ा सा भूनना पड़ेगा थोड़ा टाइम तक, इसका तेल निकलने तक। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा तेल कम हो गया था, तो मम्मी ने बाद में और थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया। पनीर डाली, पनीर को भी अच्छे से मिला लूँगी। अभी थोड़ा सा तेल डालूँगी। तेल की जगह पे आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हो। मेरे पास घी नहीं थी, इसलिए मैं तेल डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी,
नमक तो हमने पहले ही डाले थे इसलिए नमक की ज़रूरत नहीं है। और हरी मिर्च तो हमने पेस्ट में ही दिया, ग्रीन पेस्ट में। और यहाँ पे 80% कुक किया हुआ चावल है, हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे चावल को। यहाँ पे ये मम्मी चावल डाल रही है। चावल अच्छे से मिक्स होने के बाद थोड़ा सा पानी के छींटे डाल के 5 मिनट के लिए ढक दीजिएगा, क्योंकि 80% कुक है, 100% कुक के लिए थोड़ा सा पानी डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे हो गया पूरा चावल बनके, ग्रीन पुलाव हो गया रेडी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ करना। और जो लोग नए हो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मैं यहाँ पे धनिया डाल के सर्व कर रही हूँ, देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। और मैं यहाँ पे कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। आप भी ऐसे घर पे प्लीज़ ट्राई कीजिए, खाने में बहुत टेस्टी है, सबको अच्छा लगा। मेरे दूध वाले अंकल भी आए थे, उनको भी दिए, उनको भी बहुत ही अच्छा लगा। हमारे घर पे जो दूध देते वो अंकल, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय।